सबसे पहले तो मामा ने मुझे रिकमेंड किया था. बेसिकली वो चाहती थी कि उनकी बेटी भी वो सब काम करे, वो सब अपनी लाइफ इंजॉय कर सके जो पाकिस्तान में मेल्स कर सकते हैं. कि अगर आप किसी चीज़ को दिल से सीखते हो तो आप उसके लिए कोशिश भी करते हो. बट जो मेन जो डिफ़िकल्टी थी जो मैंने फ़ेस की थी वो ये थी कि मैं लाहौर से नहीं थी, तो मुझे फ्राइडे की क्लास लेने के लिए 5 आवर्स ट्रैवल करके आना पड़ता था. यहाँ पे लाहौर में मैंने लाहौर सेलेक्ट किया था एज माई ट्रेनिंग सिटी. आई एम अर्निंग अल्हम्दुलिल्लाह $500 पर मंथ. फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी असरा अख्तर. मैं आप लोगों को थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बता दूँ कि बेसिकली मैं हूँ जोहराबाद से एंड मैंने अभी रिसेंटली सितंबर में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था, ठीक है. और उसके बाद फ़ौरन ही मैंने इनेबलर्स के कोर्स में जो है एडमिशन ले लिया. ड्यूरिंग माई डिग्री मैंने काफ़ी इसके बारे में एक्सप्लोर कर चुकी थी कि ये ई कॉमर्स की फील्ड है, लाइक आपको 9 to 5 जॉब का पाबंद नहीं रहना होता. तो इसलिए मेरा पहले से ही था विद इन डिग्री कि मैंने जो है इनेबलर्स के कोर्स के लिए इनरोल करना है अपने आप को. एंड उसके लिए मैंने EVS एक्सेस ले ली थी, पहले से इन चीज़ों को समझ लिया था जो चीज़ें हैं. क्योंकि अगर आप EVS देख के इस कोर्स में आते हैं तो देन आपके लिए ज़्यादा बेहतर है हर चीज़ को अंडरस्टैंड करना. और अगर आप बगैर सोचे समझे या बगैर किसी चीज़ के ऊपर जो है आप लोग एक बार उसे एक्सप्लोर किए बगैर आप उस फील्ड में आते हैं तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है आपके लिए उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना. इनेबलर्स का बेसिकली ये था कि मैं सबसे पहले तो मेरी मामा ने देखा था इनेबलर्स की वीडियोज़ वगैरह, तो मेरी मामा को ये चीज़ अच्छी लगी थी कि बीइंग अ फीमेल आप नहीं, मतलब आपको बाहर नहीं निकलना पड़ता, आप घर में बैठ के एक अच्छी हैंडसम अमाउंट जो है आप अर्न कर सकते हो. तो इसलिए सबसे पहले तो मामा ने मुझे रिकमेंड किया था. बेसिकली वो चाहती थी कि उनकी बेटी भी वो सब काम करे, वो सब अपनी लाइफ इंजॉय कर सके जो पाकिस्तान में मेल्स कर सकते हैं. तो उन्होंने ही मुझे रिकमेंड किया था, वो चाहती थी कि मैं ये कोर्स करूं. और थ्रू आउट माई करियर अब तक सबसे ज़्यादा सपोर्ट भी उन्हीं का था मुझे, तो इसलिए फिर मैं अब इसमें हूँ इनेबलर्स में. मैंने तभी डिसाइड कर लिया था, अभी मेरी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई थी, मामा इसके बारे में काफ़ी चीज़ें सर्च कर रही थी, वीडियोस देख रही थी डेली बेसिस पे, मुझे भी दिखाती थी और रिकमेंड करती थी कि बेटा आपने भी, मुझे भी आपका इंटरव्यू चाहिए इसी तरीके से जिस तरीके से इन फीमेल्स का हो रहा है. तो मामा की बात मानी जो उन्होंने मुझे कहा, उन्होंने रिकमेंड किया, तो अब मैं इस फील्ड में हूँ. लेकिन यह था कि जब मैंने EVS ली, क्योंकि मुझे खुद था कि अगर मैं इस जगह पे इन्वेस्ट कर रही हूँ तो बेसिकली मुझे पता होना चाहिए कि मेरा फ्यूचर आगे कहाँ है ना. तो मैंने EVS की एक्सेस ली, उसको एक्सप्लोर किया, वर्चुअल असिस्टेंट का उसमें मैंने कोर्स वगैरह देखा. तो उसके बाद मुझे इंटरेस्टेड लगा कि मुझे लगा कि हाँ मैं इसको कर सकती हूँ, देन मैंने कोर्स के लिए अप्लाई कर दिया. कि अगर आप किसी चीज़ को दिल से सीखते हो तो आप उसके लिए कोशिश भी करते हो. अभी मैं EVS स्टूडेंट ही थी बट काफ़ी ऐसे लोग थे जिनके साथ मैं कनेक्टेड थी जो इनेबलर्स में ऑलरेडी काम कर रहे थे, वो मेरी हेल्प करते थे. हमारे मेंटोर ने काफ़ी सपोर्ट किया था इस चीज़ में, उनका पढ़ाने का तरीका, समझाने का, हर चीज़ बहुत ज़्यादा ईजी हो गई थी मेरे लिए. लर्निंग में तो ये था कि मेहनत थी, शौक़ था मेरा, तो लर्निंग में तो ऐसी डिफ़िकल्टीज़ नहीं आई. प्रोडक्ट हंटिंग वगैरह में आती थी, बट जो मेन जो डिफ़िकल्टी थी जो मैंने फ़ेस की थी वो ये थी कि मैं लाहौर से नहीं थी, तो मुझे फ्राइडे की क्लास लेने के लिए 5 आवर्स ट्रैवल करके आना पड़ता था. यहाँ पे लाहौर में मैंने लाहौर सेलेक्ट किया था एज माई ट्रेनिंग सिटी, तो आती थी मैं 5 आवर्स ट्रैवल करके आती थी लाहौर, और फिर एक क्लास लेने के बाद फिर मैं वापस जाती थी. तो ये मेन चीज़ थी डिफ़िकल्टी मेरे लिए, बट यह था कि उस चीज़ से फ़ायदा काफ़ी हुआ. सेकंड चीज़ ये WORC में मैंने विद इन कोर्स इनरोल करवा लिया था खुद को, और जो न्यूबीज़ के लिए ये चीज़ काफ़ी अच्छी है. अगर आप कोर्स ले रहे हो तो आपको अपनी स्किल्स पॉलिश करनी होती हैं, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आपको चाहिए होता है. तो सर साकिब का जो ये इनिशिएटिव था WORC का, ये बहुत अच्छा था. तो मैंने तो विद इन कोर्स ही इनरोल कर लिया था अपने आप को WORC के लिए, और तब मेरी लर्निंग भी स्टार्ट हो गई थी और अर्निंग भी स्टार्ट हो गई थी. तो मैंने WORC के लिए जो अपनी इनरोलमेंट थी वो मैंने विद इन कोर्स ही ज्वाइन कर लिया था मैंने WORC को. तो मैं WORC में आने के बाद 1 वीक के बाद ही जो है मेरी, मुझे क्लाइंट मिल गया था और मेरी अर्निंग जो है वो स्टार्ट हो गई थी. और आई एम अर्निंग अल्हम्दुलिल्लाह $500 पर मंथ. व्यूज़ तो काफ़ी अच्छे ही हैं, पॉजिटिव हैं. लाइक सर साकिब अज़हर जो है वो फ्ला का काम कर रहे हैं, उनका जो विजन है वो सब कुछ क्लियर है.
ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव्स लेते हैं वो न्यूबीज़ को ग्रूम करने के लिए, चांस देते हैं वो न्यूबीज़ को, जिस तरीके से वो इनेबलर्स को लाइक इसके अंदर हर चीज़ अपडेट करते जा रहे हैं और वो इनिशिएटिव्स ले रहे हैं न्यूबीज़ के लिए, वो चीज़ आई थिंक काफ़ी इंप्रेसिव है। और जो उनकी मोटिवेशंस होती हैं, वीकली बेसिस पे मीटअप्स वगैरह करते हैं तो कहीं पे मोरल डाउन भी हो रहा होता है तो वो मोटिवेट कर देते हैं। वो आई थिंक ये बेस्ट इनिशिएटिव है इनेबलर्स की तरफ से, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है वीएस का, तो वर्क में स्किल्स पॉलिश हो जाती हैं। ऑलरेडी यहाँ पे सीनियर्स हैं जो गाइड कर देते हैं, क्योंकि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है, आपको अपना काम रिप्रेजेंट करना होता है, उसमें 10 गलतियाँ निकल आती हैं, बट जो सीनियर्स हैं यहाँ पे वो हेल्प कर देते हैं, हमारी भी कर देते हैं। लाइक यहाँ पे आने का मुझे तो बहुत बेनिफिट हुआ है कि पहले इतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी मैं अपनी स्किल्स को लेके जितनी मैं वर्क में आने के बाद हुई हूँ। तो अभी तक जो मेरा फ्यूचर प्लान है कि मैंने 5 मंथ्स तो सर्विसेज देनी है, पहले मुझे खुद सीखना है इस बिज़नेस को, इसके सारे टिप्स एंड ट्रिक्स सीखने हैं, डीपली इसमें खुद भी अभी रिसर्च करनी है। जब मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊंगी कि मुझे एक बिज़नेस मॉडल आता है, समझ आ गया, तो डेफिनेटली आई विल इन्वेस्ट इन होलसेल, एफबी होलसेल डेफिनेटली। आफ्टर 5 ईयर्स तो डेफिनेटली, जैसे मेरी मामा का एक ड्रीम है कि मैं वो मुझे एज अ बिज़नेस वूमेन देखें, इंडिपेंडेंट देखें, तो डेफिनेटली मैं अपने आप को इतना इंशाल्लाह ग्रूम करूँगी कि इंडिपेंडेंट रहूँ और अपनी मामा के, जो मेरी मामा के सपने हैं मुझे लेके, वो मैं पूरे कर सकूँ। तो न्यूबीज़ के लिए ये है मेरा मैसेज कि सबसे पहले हमारे लाइक सोसाइटी में है कि हर कोई आता है इधर पैसा कमाने के लिए, तो पैसा इज़ इम्पोर्टेंट, एक्सपेंसेस होते हैं, हर किसी के होते हैं, लेकिन मेन फोकस करें स्किल्स के ऊपर। कोई क्लाइंट आता है, अगर आपकी स्किल्स ही इतने, आप कॉन्फिडेंट नहीं अपने स्किल्स को लेके, तो वो क्लाइंट चला जाएगा और वो इतना ज़्यादा काम नहीं करवाएगा, तो उसके साथ साथ पैसा भी जाएगा आप लोगों का। इसलिए पहले अपनी स्किल्स पे कॉन्फिडेंट हो जाएं, आप लोगों को स्किल्स आनी चाहिए, पैसा खुद ही आ जाएगा। तो इसलिए मेन फोकस अपनी स्किल्स पे करना है कि आपकी स्किल्स जो हैं वो इम्प्रूव हो जाएं, एंड देन यू विल अर्न